गुड मॉर्निंग, माय नेम इज स्नेह कुमार। आज हम पढ़ेंगे कि मल्टीमीटर से कैसे रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। हाउ टू मेजर अ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अ मल्टीमीटर। हम जानते हैं कि मल्टीमीटर इस तरह दिखता है। दैट्स अ डिस्प्ले, ये अपना रोटेटिंग स्विच। जो भी मेजर करना होता है तो रोटेटिंग स्विच की मदद से अपन उस रेंज को सेलेक्ट करते हैं। दीज आर द जैक फॉर मेजरिंग, दैट्स फॉर कॉमन। फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट वी कनेक्ट अ रेड प्रॉप टू दिस जैक एंड सेलेक्ट अ रेंज ऑफ रेजिस्टेंस। Now, the multimeter जो arrangement जो internal diagram होता है वो ये होता है। Here these two points A and B, these two points are A and B. These two points are A and B. By using rotatory switch, select a range. Here, the rotatory switch point is this. Now, for measurement of resistance, we connect to these points. These are ohmmeters. First, this connect to the any one point of this for you select a range. Similarly, if we connect a 0.5, then this point is connect to this point and this galvanometer means जो measure करेगी readings को वो galvanometer है जो connect होगा आपका 0.5 से। internal battery this and these are connect to point B. Here, that's a rotatory switch that goes to 0.5. Internally, is connect to the 5 and galvanometer is also connect to 0.5. Now, multimeter can also measure a resistance. इससे पहले हमने देखा था कि जो मल्टीमीटर से हमने एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट को मेजर किया था, उसी तरह से हम रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। नाउ अ मल्टीमीटर कैन आल्सो मेजर अ रेजिस्टेंस। वी शुड रिमेंबर दैट अ रेजिस्टर्स इट्स पावर। फॉर दिस पर्पस अ बैटरी इज प्रोवाइडेड विथ मल्टीमीटर। जो इंटरनल बैटरी है वो प्रोवाइडेड करते हैं। दिस बैटरी इज कनेक्ट इन सीरीज विथ द मीटर थ्रू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कंट्रोल रेजिस्टेंस विच कंट्रोल द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द मीटर विथ इन द डिजायर्ड रेंज। यहां पर जो इंटरनल बैटरी है वो जो मीटर है उससे सीरीजली कनेक्ट है। That's our series connector. कैसे series connect हो रहा है? This is connect to 5. That's connect to this point. And this point is also connect to this. And this is a internal battery. Now, जहां पर हमने ओम मीटर्स थी तो ओम मीटर्स की अलग अलग डिफरेंट रेंज को अपने दे कर दिया। ये इंटरनल बैटरी हो गई, ये रेंज सेलेक्टर हुआ, ये गैल्वेनोमीटर और ये दो जैक्स ए एंड बी जो नेम दिए हैं हमने वो होता है। अब कैसे मेजर करते हैं वो देखो। रेजिस्टेंस के मान को मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस की रेंज को रोटेटरी स्विच से सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहां पर रोटेटरी, ये रोटेटरी स्विच से
रेंज को सेलेक्ट किया, फिर ब्लैक प्रॉब इज कनेक्ट टू कॉम. नाउ वी सी ब्लैक प्रॉब इज कनेक्ट टू कॉम एंड रेड प्रॉब इज कनेक्ट टू ओम जैक. हियर वी सी ओम. रेड प्रॉब को रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से और अदर टर्मिनल को ब्लैक प्रॉब से कनेक्ट करते हैं. जैसे ये रेजिस्टेंस है सपोज, इसके एक टर्मिनल को तो रेड प्रॉब से कनेक्ट करते हैं और अदर टर्मिनल को ब्लैक से कनेक्ट करते हैं. ये रेजिस्टेंस का मान एलसीडी पर शो करता है. यहाँ पर जो एलसीडी है इस पे इसका मान को शो करेगा. इस तरह से हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं. नाउ रिकॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेटरी स्विच की मदद से रेंज को सेलेक्ट करते हैं, ब्लैक प्रॉब को कनेक्ट टू द कॉम एंड रेड प्रॉब इज कनेक्ट टू ओम जो जैक है उससे कनेक्ट करते हैं. इन टर्मिनल्स ये जो दो प्रॉब्स हैं, तो एक टर्मिनल्स रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल पे तो रेड प्रॉब को कनेक्ट करते हैं, अदर जो टर्मिनल है उस पे ब्लैक प्रॉब को. जैसे ही कनेक्ट करेंगे वैसे ही रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो एलसीडी पे शो हो जाएगी. इसका जो जनरल जो डायग्राम है मल्टीमीटर का, उसके अंदर भी ये रोटेटरी स्विच की मदद से हम ओम मीटर को सेलेक्ट करते हैं. गैल्वेनोमीटर इज सीरीजली कनेक्ट विथ इंटरनल बैटरी एंड दिस. And that we measure a resistance.